नमस्कार मैं अभिषेक चौधरी प्राइम 24 में आपका स्वागत है। है, खबर राजस्थान राजस्थान विधानसभा चुनाव की है। दो दिन बाद राजस्थान में वोट डाले जाने हैं राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है राजस्थान में चुनाव प्रचार आज थम जाएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीन तीन रैलियां की एक और जहां राहुल गांधी ने अलवर जिले के मालाखेड़ा झुंझुनू जिले के बुहाना और उदयपुर के सलम्बूर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हनुमानगढ़ सीकर और जयपुर में रैलियाँ की लेकिन तीनों रैलियों में उनका मुख्य निशाना कांग्रेस और गांधी परिवार ही रहा जयपुर में हुई सभा में नरेंद्र मोदी ने राबर्ट वाड्रा का नाम लिए बिना ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में करोड़ों रुपए की जमीन नामदार के रिश्तेदारों को बेच दी गई कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की गलती के समय ही भारत पाकिस्तान विभाजन के समय करतारपुर साहिब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान नोटबंदी अच्छे दिन राफेल जैसे मुद्दों पर घेरा यही नहीं उन्होंने गैस और डीजल के बढ़ते दाम और मन की बात जैसे मुद्दों पर भी जमकर कटाक्ष किए राहुल ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए बोला कि प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा भारत माता की जय बोलती रहती है लेकिन इनकी असली भारत माता बड़े बड़े उद्योगपति हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जगह बोलना चाहिए कि मेहुल चौकसी की जय नीरव मोदी की जय राहुल गांधी ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया पर भी आरोप लगाए और कहा कि वे किसी से मिलती नहीं है और ललित मोदी ने करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र के बैंक के खाते में जमा कराए थे राजस्थान में सभी पार्टियों ने अपनी अपनी दलीलें अपने अपने मुद्दे और अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख दी हैं। अब जनता आने वाली सात तारीख को इस पर फैसला लेगी और ग्यारह को इसका रिजल्ट आएगा प्राइम न्यूज ट्वेंटी फोर के लिए राजस्थान से ब्यूरो विपिन जोशी की खास रिपोर्ट अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और शेयर करें सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें